इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। एक स्कूल जाते बच्चे से लेके एक ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉय तक, एक हाउसवाइफ से लेके एक रिटायर्ड बूढ़े इंसान तक, हर किसी की लाइफ में छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स होते रहती है। अब जब प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल और कई बार सैड भी फील करते हैं। ये लाइफ की एक ऐसी रियलिटी होती है जो हमें कई बार इमोशनली तोड़ भी देती है और जिसे हम रिफ्यूज नहीं कर सकते। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स आने पे अपने इमोशंस को इग्नोर कर दो, प्रॉब्लम्स की वजह से रो मत या उस सिचुएशन को अवॉइड करो। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि जितना अवॉइड करोगे उतनी वो प्रॉब्लम्स बड़ी होने लगेगी, जितना दूर भागोगे उतना वो प्रॉब्लम नजदीक आएगी। इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने का बेस्ट वे ये है कि उसे स्ट्रांगली फेस करो। वेल, जो चीज यहाँ मैं एक्चुअली करने से आपको रोक रहा हूँ वो ये है कि प्रॉब्लम्स आने पर इमीडिएटली उस सिचुएशन को या खुद को या अपनी लक को फौरन जज मत करो, क्योंकि हर प्रॉब्लम्स के पीछे कुछ इम्पोर्टेंट यूजफुल बेनिफिट्स छुपे होते हैं जो शायद आपको फौरन ना दिखे, लेकिन ट्रस्ट मी, हर प्रॉब्लम्स अपने साथ सॉल्यूशन के साथ कुछ बेनिफिट्स भी लाती है। अगर आपको वो बेनिफिट्स पता चल जाए तो आपकी थिंकिंग, आपका एटीट्यूड और आपकी ओवरऑल लाइफ चेंज हो जाएगी। इसलिए अभी मैं आपके साथ ऐसे ही 7 बेनिफिट्स शेयर करूंगा जो प्रॉब्लम्स अपने साथ लाती है आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें सो दैट आप एक भी बेनिफिट्स को मिस ना करो। सो नाउ लेट्स बिगिन। बेनिफिट नंबर 1, प्रॉब्लम्स गिव्स अस पर्सपेक्टिव इन लाइफ। लाइफ में एक बार ऐसी सिचुएशन जरूर आती है या आएगी जब आपको बहुत ही बड़ी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और समहाउ आप मोस्ट ऑफ द टाइम उस प्रॉब्लम को हैंडल करके ओवरकम कर लेते हो। अब इस बड़ी प्रॉब्लम से नो डाउट आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, बट इसी बड़ी प्रॉब्लम का बेनिफिट ये है कि इसके बाद आपको हर प्रॉब्लम इसके सामने छोटी लगने लगती है, जिसे फिर आप बिना स्ट्रेस लिए ओवरकम कर लेते हो। क्योंकि इस बड़ी प्रॉब्लम के बाद आपको अपनी लाइफ का पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाता है, जिसके बाद आप फिर उन चीजों पे ही फोकस करते हो जो एक्चुअली में आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बेनिफिट नंबर 2, प्रॉब्लम्स टीचेस अस टू बी ग्रेटफुल। लाइफ में कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जिसकी वजह से हम बहुत सी इम्पोर्टेंट चीजों को खो देते हैं, ऐसी चीजें जिसे हम इनिशियली वैल्यू नहीं करते थे लेकिन उसके जाने के बाद हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट जो इस लॉस से हमें मिलता है वो ये है कि फिर हम उन चीजों की भी वैल्यू करने लगते हैं जो हमारे पास अवेलेबल होती है। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद हमें उसकी वैल्यू पता चलती है, इसलिए फिर हम एफिशिएंटली लाइट को यूज करते। शॉर्टेज ऑफ वाटर के बाद हम केयरफुली पानी का यूज करते। बीमारी से रिकवर होने के बाद हम और अच्छे से खुद की हेल्थ का ख्याल रखते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो, आपके एटीट्यूड में पॉजिटिविटी तभी आएगी जब आप पॉजिटिव चीजों पे फोकस करोगे और आपकी लाइफ के अलग अलग ब्लेसिंग्स पॉजिटिविटी का बिगेस्ट सोर्स होता है। बेनिफिट नंबर 3, प्रॉब्लम ब्रिंग्स आउट आवर हिडन पोटेंशियल। आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम जरूर आएगी जिसने आपको बहुत नुकसान किया होगा और जिसे ओवरकम करने में आपको बहुत सा स्ट्रगल और डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ा होगा। नो डाउट उस प्रॉब्लम्स की बैड मेमोरीज और इम्पैक्ट आज भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं छुपी होगी, लेकिन उसी प्रॉब्लम का एक बड़ा बेनिफिट ये भी था कि उसकी वजह से आपको आपके हिडन पोटेंशियल और टैलेंट का रियलाइजेशन हुआ, जिसकी हेल्प से आप उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सके। और फिर इसी बेनिफिट की वजह से अब अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो अब आपको आपका पोटेंशियल पता है, अब आपको पता है कि उस प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करें, और जिसकी वजह से अब प्रॉब्लम की वजह से आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो प्रॉब्लम की वजह से आपको आपकी एक्चुअल स्ट्रेंथ पता चलती है, जो टाइम के साथ आपकी क्वालिटीज और आपके ओवरऑल एटीट्यूड को और भी ज्यादा इम्प्रूव करके स्ट्रांग बना देती है। बेनिफिट नंबर 4, प्रॉब्लम्स एनकरेजेस अस टू मेक चेंजेस एंड टेक एक्शंस इन लाइफ। बहुत से लोगों को अपने कंफर्ट जोन में रह के ओल्ड लाइफस्टाइल और रूटीन को फॉलो करना पसंद होता है, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आती है तो उनका कंफर्ट जोन डिस्टर्ब हो जाता है और फिर उसे ओवरकम करने के लिए उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अलग अलग एक्शंस लेना ही पड़ता है सो डेट वो उस सिचुएशन को किसी तरह चेंज करके उस प्रॉब्लम को रोक सके। इन शॉर्ट, लाइफ में प्रॉब्लम्स आने से हमारी एक्शन टेकिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाती है और हम चेंजेस को अडेप्ट करना सीखने लगते हैं अलग अलग एडजस्टमेंट करके, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स की वजह से। बेनिफिट नंबर 5, प्रॉब्लम्स टीचेस अस वैल्यूएबल लेसंस। एक एंटरप्रेनर सक्सेसफुल बिजनेसमैन कभी नहीं बनेगा अगर इनिशियली उसे बिजनेस में लॉस ना मिला हो। एक स्टूडेंट अच्छे मार्क्स कभी नहीं लाएगा अगर एक बार उसे कम मार्क्स ना मिले हो या वो फेल ना हुआ हो। एक एथलीट और मेहनत कभी नहीं करेगा अगर कुछ माइल्स या कुछ डिस्टेंस की वजह से उसका गोल्ड मेडल छूट गया हो। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो प्रॉब्लम्स, लॉस और डिफिकल्टीज हमें बहुत से इंपॉर्टेंट लेसन सिखा जाती है जो हमें हेल्प करती है खुद को इम्प्रूव करके अपना खुद का एक बेटर वर्जन बनने में। बेनिफिट नंबर 6, प्रॉब्लम्स ओपन्स न्यू डोर्स इन लाइफ। आपकी जॉब चली जाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है,
लेकिन इसी प्रॉब्लम की वजह से आपकी लाइफ में अच्छी पैकेज और एक गुड कंपनी में जॉब मिलने के दरवाजे खुल जाते। आपका ब्रेकअप हो गया, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इस ब्रेकअप की वजह से आपके सामने एक लॉयल पार्टनर और अच्छे रिलेशनशिप मिलने के दरवाजे खुल जाते। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो हमारी प्रॉब्लम्स एक्चुअली में हमारी लाइफ के लिए प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह होती है खुद को चेंज करके बेटर बनाने के लिए। अगर प्रॉब्लम की वजह से लाइफ का एक दरवाजा बंद हो जाता है तो उसी प्रॉब्लम की वजह से दूसरा बेटर दरवाजा खुलने के लिए हमेशा रेडी रहता है। बस जो चीज मैटर करती है वो ये है कि आप उस प्रॉब्लम को किस वे में हैंडल करते हो। बेनिफिट नंबर 7, प्रॉब्लम्स बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, आपने उसे एनालाइज किया और फिर फुल करेज और डिटर्मिनेशन के साथ आपने उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसलिए नहीं क्योंकि आपने उस प्रॉब्लम को ओवरकम किया, बल्कि इसलिए क्योंकि इस प्रॉब्लम की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया, आपको आपकी सेल्फ एस्टीम पता चल गई और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लग गए। और फिर इसी पॉजिटिव फीलिंग्स और इमोशंस की वजह से आपका एटीट्यूड, आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है और अब आप हर प्रॉब्लम्स को इजीली ओवरकम कर लेते हो, क्योंकि अब आप हर प्रॉब्लम्स की जगह उसके सॉल्यूशन पे फोकस करने लगे हो। सो टू कंक्लूड, ये थे लाइफ में प्रॉब्लम्स होने के 7 वैल्यूएबल फायदे। नेक्स्ट टाइम अगर लाइफ में प्रॉब्लम आए जो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही हो तो एक बार इन 7 बेनिफिट्स को रिकॉल कर लेना, क्योंकि आई एम श्योर ऐसा करने से आपका पेन कम हो जाएगा और आप उस प्रॉब्लम को इजीली हैंडल करके बहुत जल्द ओवरकम कर लोगे। एक और रिक्वेस्ट, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है जिसे आपको लगता है कि आपको शेयर कर सकते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। मुझसे हुआ तो मैं उसके पीछे का बेनिफिट और सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा, और अगर मुझसे ना हो पाया तो एटलीस्ट एक इंसान जो ये वीडियो देख रहा होगा वो उसके पीछे बेनिफिट बता के उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने में आपको अलग अलग सजेशन देके आपकी हेल्प जरूर करेगा। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।